है और भगवान महाकाल यहाँ के राजा हैं अवंतिका के। तो राजा की सेवा पूजा अर्चना प्रार्थना पहले करने का एक परंपरा रही। महाकालेश्वर में जिस तरीके से परंपरा के पूजन आरती शिवरात्रि पर्व अन्नकूट पर्व आदि सारे यहाँ मनाए जाते हैं और उसी के तहत यहाँ पे भगवान की व्यवस्था गर्म जल से भी होती है। होली पर्व जो है उसके एक दिन पूर्व जिसको हम रूप चौदस बोलते हैं, नरक चौदस भी बोलते हैं, उस दिन भगवान को उत्तन लगा के महाकालेश्वर की भस्मा आरती में पुजारी परिवार की महिला उत्तन लगाती है और उनका रूप को निखारती है और उसी दिन भगवान का अन्नकूट भगवान को भोग लगा देते हैं। उसी के बाद फिर नगर के मंदिरों में अन्नकूट भोग की प्रथा और परंपरा चलती है। चौदस का पर्व जो है रविवार को होगा और उसी दिन भगवान महाकाल को गर्म जल से स्नान भी प्रारंभ हो जाएगा। और ये जो ऋतु है ठंड का जो ऋतु है इसमें अब 4 महीने भगवान गर्म जल से स्नान करेंगे, ये यहाँ की एक परंपरा। साथ ही दीप पर्व के साथ जो अन्नकूट होता है वो तो 14 के दिन रूप चौदस के दिन यहाँ अन्नकूट भोग भगवान को लगाएंगे और सुबह प्रातः काल भस्म आरती में फुलझड़ी और ये सब जलाकर भगवान का दीप उत्सव भी मनाएंगे। रात्रि में भी भगवान को दीप उत्सव होता है और रात्रि में भी दीपक भगवान को लगाए जाते हैं। भक्तगण भी लगाने आते हैं, मंदिर की ओर से भी, समिति की ओर से भी, पुजारी की ओर से भी, महाकालेश्वर भगवान के मंदिर के अंदर प्रांगण में दीप प्रज्वलित करने की परंपरा। तो भक्तों की परंपरा रही है, अब तो संख्या इसकी बढ़ गई है और भक्त अधिक से अधिक संख्या में यहाँ पे आके अपने दीप प्रज्वलित करते हैं, हजारों की संख्या हो जाती है दीपक की। उसमें पूरे कुंड है, जलाशय आस पास में पूरे मंदिर है, ओंकारेश्वर के पास समक्ष सामने है, ऐसा पूरे मंदिर में कम से कम 1008 दीपक की तो परंपरा ये चालू हुई है। इसलिए मंदिर का लोग यदि करना चाहे कोई संस्था से करना चाहता है तो उसको इसकी परमिशन लेना पड़ती है, लेकिन यदि भगवान महाकाल के समक्ष कोई भक्त जैसे महिला है हमारी इसमें ये परंपरा है कि जिस दिन लक्ष्मी पूजा की जो होती है उस लक्ष्मी पूजा के साथ में जब घर से दीपक जलाने की प्रथा जो है वो दीपक प्रज्वलित करके और मंदिरों में दीपक रखे जाते हैं तो वहाँ से घर पर से 11 दीपक 5 दीपक लेकर महिलाएं मंदिरों में जाती है और लगाती है। महाकाल क्षेत्र में जितने परिवार रहते हैं वो महाकालेश्वर में लगाते हैं, अन्य क्षेत्र जहाँ होते हैं वहाँ पर जो मंदिर पास पड़ते हैं उस मंदिरों में महिलाएं दीपक लगाने जाती हैं।